अब बड़ी खबर बताते हैं, जैसे कि हम लगातार कह रहे थे कि ईवीएम की गड़बड़ियां भी देखने को मिलती हैं, और इस वक्त जो ईवीएम की गड़बड़ी देखने को मिली है वो है जालौन माधवगढ़। जालौन के माधवगढ़ के बूथ नंबर 177 पर मतदान रुका है, ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। बूथ नंबर 490, 510, 539 पर भी ईवीएम खराब हुई है, ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। जो मतदाता पहले वोट डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं सारे काम छोड़कर पहले वोट डाल दें, उन्हें थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तकनीकी खामी है, ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। जालौन के माधवगढ़ के बूथ नंबर 177 पर मतदान रुका है, बूथ नंबर 490, 510, 539 पर भी ईवीएम खराब हुई है, मतदान बाधित हुआ है, मतलब ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। तो जालौन के माधवगढ़ के बूथ नंबर 177 पर मतदान रुका है, ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है, बूथ नंबर 490, 510, 549 और पर ईवीएम खराब हुई है, और जो मतदाता है वो थोड़े निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे वो जल्द से जल्द वोट डाल दे और वो अपने मत का प्रयोग ईवीएम के खराब होने के चलते नहीं कर पा रहे हैं। गड़बड़ियां ईवीएम में पाई जा रही है। जालौन के माधवगढ़ के बूथ नंबर 177 पर मतदान रुका है, ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है, बूथ नंबर 490, 510, 539 पर भी ईवीएम खराब हुई है, ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। तो लगातार बता रहे हैं। माजिद अरमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माजिद, ईवीएम खराब होने की सूचना आई है, क्या जानकारी है, कितना वक्त हो गया ईवीएम को खराब हुए, जाना चाहेंगे आपसे? जी बता रहे हैं, मतदान शुरू होने से पहले ही जो मशीन खराब पड़ी थी, काफी प्रयास किया जा रहा है मशीन को सही करने के लिए, 570, 210 ये जो मशीनें खराब है और काफी देर से इसको प्रयास किया जा रहा है सही करने के लिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई उस मशीन को सही करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या वहाँ पर अलग और मशीन नहीं है ताकि उन्हें लगा दिया जाए, मतदान को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि मतदाता जो आते हैं वो भी निराश हो रहे होंगे वहाँ पर? पूरा जो यहाँ इंतजाम जो किया गया है और मतदाता जो खड़े हैं काफी देर से परेशान हो रहा है और लोग हिल्लड़ भी मचा रहा है इस बात को लेकर, तो मशीन अभी तक क्यों नहीं सही की गई है, हालांकि लोग ठीक भी है और मशीन सही हो जाएगी, इसके लिए भी अधिकारियों ने अभी कहा है, लेकिन अभी तक मशीन लगभग वक्त लगेगा अभी और मशीन को ठीक होने में। हालांकि अधिकारियों की माने तो उन्होंने बोला है कि मशीन अभी बिल्कुल सही हो जाएगी और काम चल रहा है और काफी देर से वो लोग प्रयास कर रहे हैं सही करने के लिए, और अधिकारियों का कहना यह है कि मशीन कितनी टेक्निकल बैटरी लो होने की वजह से ही मशीन खराब हो गई है, हम देखना यह है कि कितनी देर मशीन में सही होती है और लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से माजिद मॉक पोल किया जाता है, पहले से ट्रेनिंग दे दी जाती है और लगातार सारी चीजें बता दी जाती है, उसके बाद भी ईवीएम खराब होता है, वक्त की थोड़ी बर्बादी भी होती है अगर ईवीएम खराब होता है, और मतदाता भी काफी निराश नजर आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं वो जल्द से जल्द वोट डाल दें। जी रिजवाना, बिल्कुल सही कह रही आप, ये चौथे तरह जो मतदान शुरू होने से पहले यहाँ जो पोलिंग स्टेशनों पर लोगों को भेजा गया था, मशीन चेक करी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ शिकायतें कल रात से ही मिलना शुरू हो गई है कि कहीं कोई सही से इंतजाम भी नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि पोलिंग स्टेशनों पर सही तरीके की जांच नहीं की गई और प्रशासन की सही देख रेख न होने की वजह से यहाँ जो मामला सामने आया है, ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मशीन सुबह से खराब है, मतदान।